पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ रुपए का टर्म लाइफ इंश्योरेंस केवल 450 रुपए महीने से शुरू। वाव। नमस्कार, मैं सुशील महापात्रा। ये कहावत है कि वैज्ञानिक बनी बनाई दुनिया का अध्ययन करते हैं, जबकि इंजीनियर इस दुनिया को बनाते हैं। कहने का यही मतलब है, अगर इंजीनियर नहीं होंगे तो ये दुनिया नहीं होगा, अगर ये दुनिया नहीं होगा तो वैज्ञानिक अध्ययन नहीं कर पाएंगे। लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसे इंजीनियर की बात करने जा रहे हैं जो दुनिया तो नहीं बना रहे हैं लेकिन फ्रॉड जॉब वेबसाइट बना रहे हैं और युवाओं को ठग रहे हैं। और ये कहानी उन इंजीनियरों का है जो काफी सारे पैसा खर्च करके इंजीनियर तो बनते हैं लेकिन दुनिया बनाने के जगह ये लोग फ्रॉड करते हैं। तो ये एक घटना अभी सामने आया है जहां अलीगढ़ में कुछ इंजीनियर मिलकर फ्रॉड वेबसाइट बनाया, 5 राज्यों के बच्चों को चुना लगाया और इसके साथ साथ करोड़ों रुपया उनसे ठग लिए। क्या है वो पूरी कहानी, कैसे इंजीनियर इस फ्रॉड में आते हैं और कैसे युवाओं को जो है अपना शिकार बनाते हैं, उसके बारे में आज हमको बताएंगे। अलीगढ़ शहर के नाम आपने सुना होगा, तो कुछ इंजीनियर वहां पर मिलकर फ्रॉड वेबसाइट से बनाते हैं और ये वेबसाइट इतना सरकारी वेबसाइट से रिलेटेड होता है, सिमिलर होता है कि बच्चों को, युवाओं को पता नहीं चलता कि ये वेबसाइट जो है वो फ्रॉड है या ओरिजिनल है। सबसे पहले ये क्या करते हैं, उत्तर प्रदेश से दूर 5 राज्यों के बच्चों को अपना शिकार बनाते हैं। कैसे शिकार बनाते हैं, वो अपने जो लोकल पेपर है वहां पर जॉब का एडवर्टाइजमेंट देते हैं और ये कहते हैं कि ये जॉब जो है नौकरी खाली है, इस नौकरी के लिए जो है हम बच्चों को चुनते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, इंटरव्यू के लिए ट्रेनिंग देते हैं, तो आप लोग को ज्वाइन करना चाहिए। तो जब बच्चे जब इनके वेबसाइट में जाते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसा ये सरकारी वेबसाइट है लेकिन ये सरकारी वेबसाइट नहीं है। तो ये लोग क्या करते हैं कि सरकार की जो योजना है, स्वास्थ्य योजना है, स्किल इंडिया टाइप की योजना है, उससे रिलेटेड नाम सब देते हैं, उसे युवा जो है उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, उनको लगता है कि नहीं जो है ये सही वेबसाइट है, तो फिर वो पैसा जमा करते हैं। क्या करते हैं ये लोग एक कॉल सेंटर भी खोले थे जिसमें 50 के करीब लोग काम करते थे। आप सोचिए, कॉल सेंटर में 50 लोग काम कर रहे हैं युवाओं को ठगने के लिए। और फिर ये लोग क्या करते थे ना, फर्जी सिम कार्ड लेते थे, फोन के अंदर ये सिम कार्ड को डालते थे और व्हाट्सएप कॉल करते थे। जो बात होती थी वो व्हाट्सएप कॉल से होती थी ताकि इनकी जो लोकेशन है, ये कौन है, क्या है, ये पता ना चले। एक बार फ्रॉड करने के बाद ये लोग क्या करते थे ना, उस सिम को जो है वो फेंक देते थे, फोन को फेंक देते थे। और इसी तरह इनके पास 500 के करीब जो है सिम मिले हैं, मोबाइल फोन भी मिले हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये लोग कितना सातीर दिमाग के थे और किस तरह अपने दिमाग को इस्तेमाल कर रहे थे। तो ये फ्रॉड जब हुआ और इसमें अपने आप को ना पता करने के लिए, ना पकड़ जाने के लिए ये लोग क्या करते थे ना, अपने अकाउंट में पैसा नहीं मंगवाते थे, ये दूसरों के अकाउंट में पैसा मंगाते थे। मतलब जिनके साथ इनका कोई रिलेशन नहीं है, लोगों से बात करते थे और कहते थे कि हम आपकी अकाउंट से कुछ पैसा मंगवाना चाहते हैं और आपको कुछ कमीशन देंगे। तो लोगों से जब अकाउंट का डिटेल ये लोग ले लेते थे तो उसी अकाउंट में पैसा मंगाते थे और ऐसे पैसा ट्रांसफर को म्यूल मनी कहते हैं। मतलब जो ओरिजिनल अकाउंट होल्डर है, जो ओरिजिनल बंदा है, उसकी अकाउंट में पहले पैसा नहीं जाता है, ये किसी दूसरे के अकाउंट में जाता है, वहां से फिर तीसरे के अकाउंट में जाता है, चौथे के अकाउंट में जाता है, फिर इसी तरह फाइनली ये वो फ्रॉड के अकाउंट में पहुंचता है। तो पुलिस जब तक इन्वेस्टिगेट करता है तो वो तो सबसे पहले उस अकाउंट होल्डर को पकड़ता है जिसके अकाउंट में पैसा आया है और जिसको कहा गया था कि तुम्हें कुछ कमीशन मिलेगा। तो ये
फ्रॉड करने के बाद ये क्या हुआ, जब बच्चे कंप्लेन करने लगे 5 राज्यों की, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तो यहाँ के बच्चे जब कंप्लेन करने लगे तो उड़ीसा इकोनॉमिक विंग के जो अफसर हैं वो लोग इस केस को टेक ओवर किए, इसका इन्वेस्टिगेशन चला और इनको 3 महीने लग गए हैं, 3 मंथ 3 महीने लग गए इन लोगों को वो अलीगढ़ में पहुंचने के लिए और जो मुख्य आरोपी है उसे पकड़ने के लिए। अलीगढ़ पुलिस का भी मदद लिए और वहां पर जाकर वहां पहुंचे, फिर इन आरोपियों को पकड़े, फिर ये आरोपी अभी जो है वो जेल में है। तो इसे आप समझ सकते हैं कि जॉब देने के नाम पर किस तरह का फ्रॉड होता है, किस तरह लोग जो है आपको कहते हैं कि हम आपको जॉब देंगे, ट्रेनिंग देंगे और आप जो है हमारे यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराइए। और ये लोग क्या करते थे ना, 3,000 से लेकर 50,000 तक डिमांड करते थे आपके इंटरव्यू का ट्रेनिंग देने के लिए, स्किल इंडिया तरह की ट्रेनिंग देने के लिए। ये कहते थे कि ये ट्रेनिंग जो है आप सिलेक्टेड हो गए हैं और आपको हम ट्रेनिंग देंगे इंटरव्यू के लिए और फिर आपका जॉब हो जाएगा, ये कहकर लोगों से पैसा लेते थे, मतलब बार्गेनिंग करते थे। कोई कहता था नहीं मैं तो 50,000 नहीं दे सकता, तो कहते थे ठीक है कोई बात नहीं 40,000 दे दिए, फिर किसे 20,000 मांगते थे, किसे 10,000 मांगते थे, किसे 3,000 भी ले लिया इन लोगों ने। तो ये लोग इसी तरह करके करोड़ों का फ्रॉड किए, तो फाइनली ये लोग पकड़े गए हैं। तो सबसे बड़ी सवाल है कि आज के जो युवा है वो कैसे इन ठगियों का शिकार हो रहे हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि आजकल सभी चाहते हैं कि उनको सरकारी नौकरी मिले। तो आजकल जब आपके सामने इस तरह की एडवर्टाइजमेंट आता है, और सबसे बड़ी बात है जब ये लोग लोकल पेपर में एडवर्टाइजमेंट देते थे तो आप समझ सकते थे, क्योंकि मैंने खुद देखा हूं उड़ीसा के कई पेपर में उड़िया में एडवर्टाइजमेंट है, ये लोग उड़िया में एडवर्टाइजमेंट दिए हैं कि ये जॉब खाली है तो इसके लिए हम आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी जगह भी इन लोगों ने दूसरे स्टेट में भी उनका रीजनल लैंग्वेज में एडवर्टाइजमेंट दिए हैं। तो इससे क्या होता था ना, जो युवा है उनका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ जाता था, उनको लगता था जब इतने बड़े पेपर में एडवर्टाइजमेंट आया हुआ है तो ये हो सकता है सच है। और जब वो इन्वेस्टिगेशन करते थे, जब उनकी वेबसाइट में जाते थे तो वो वेबसाइट सरकारी वेबसाइट की तरह लगता था, लेकिन वो सरकारी वेबसाइट था ही नहीं, क्योंकि इंजीनियर और कुछ डेवलपर मिलकर इसी तरह की वेबसाइट वहां पर बनाए थे। लेकिन उन इंजीनियर को सोचना चाहिए जो आपके साथी दिमाग को फ्रॉड करने में इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर कोई अच्छे काम में वो इस्तेमाल किए होते तो उनका फायदा होता, माँ बाप का नाम होता। क्योंकि आप फ्रॉड करेंगे तो एक दिन आप जरूर पकड़े जाएंगे, आज नहीं पकड़े जाएंगे तो 1 साल के बाद पकड़े जाएंगे, 2 साल के बाद पकड़े जाएंगे, कभी ना कभी आप पकड़े जाएंगे, कोई ना कोई सबूत आप जरूर छोड़ेंगे, चाहे कितना सिम कार्ड कितना फोन आप पानी में फेंक दीजिए, लेकिन आप एक दिन जरूर पकड़े जाएंगे। तो इसीलिए ऐसे फ्रॉड करने से बचिए, क्योंकि आप देखे होंगे 3 महीने लग गया, जैसे मैंने आपको कहा उड़ीसा इकोनॉमिक विंग को इन लोगों को पकड़ने के लिए, इसी तरह और ज्यादा समय भी लग जाता, लेकिन वो जरूर पकड़े जाते। इसलिए जब भी आप किसी को पैसा देते हैं तो कम से कम आप ये देखिए, फोन करिए, बढ़िया से जांच करिए कि वेबसाइट सही या नहीं है, जो लोग आपसे पैसा ले रहे हैं वो सही या नहीं है, जिनके अकाउंट में पैसा जा रहा है वो ओरिजिनल अकाउंट होल्डर है या नहीं है, तो ये सब आपको देखना चाहिए। अगर ये सब आप नहीं देखेंगे तो नुकसान आपका होगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।